जय सियाराम दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जैसे कि आप लोग जान पाते होंगे, दो दिन हो गया हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका वजह ये है दोस्तों, मेरी वाइफ चंदना का तबीयत बहुत ख़राब है। दो दिन तीन दिन हो गया, मतलब बुखार तो है उसमें ज़्यादा, मतलब बुखार होने के बाद तबीयत इतना, मैंने उनको इतना वीकनेस लग रहा है और सर में इतना पेन है दोस्तों, मतलब आप मत पूछिए। इसके चलते दोस्तों मन बहुत ख़राब है और इसलिए वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं हम। दो तीन दिन हो गया उनका तबीयत ख़राब है, और जो अपलोड किए थे वो पुराना वाला वीडियो, मतलब 5-6 दिन वाला वीडियो को उसी को ही अपलोड किए हैं, लेकिन हाल ही में कोई वीडियो हम शूट नहीं किए हैं। आज इसलिए वीडियो बना रहे हैं, ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा दोस्तों, ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो होगा, क्योंकि कहाँ जाएँगे और मतलब मन तो अच्छा लगना चाहिए ना। घर में जिसका किसका अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो घर का रौनक थोड़ा कम हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। और जो मेरी जो वाइफ है, घर में जब भी देखिए हम दोनों बाप बेटे के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, लेकिन आज वो 2-3 दिन हुए घर में बीमार बैठे हैं और ड्यूटी भी नहीं जा पा रहे हैं। और अभी हम गए थे बुबू को लाने के लिए स्कूल से, देखिए मेरी बेटी को। हेलो फ्रेंड्स, हाँ दोस्तों ये सही बात है कि मेरी मम्मी का तबीयत बहुत खराब है और उनको बहुत बुखार भी है। जब भी हमको तो स्कूल में भी मन नहीं लग रहा और ट्यूशन में भी मन नहीं लग रहा, बहुत बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हमको फिर भी मेरी मम्मी बुखार हुआ है, फिर भी मेरी मम्मी हमको सब कुछ बना के दे रही है। मेरा तो कोई फ्रेंड भी नहीं है, मेरी मम्मी ही मेरी फ्रेंड है। हम उनके साथ पढ़ाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये बात सही है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी हम थोड़ा काम में बिजी रह जाते हैं, लेकिन मेरी जो बेटी है और मेरी वाइफ चंदना दोनों जैसे दोस्त जैसे ही रहते हैं घर में। मतलब कभी दोनों मिलके खेलते हैं, कैरम खेलते हैं और लुका छुपी खेलते हैं, और मतलब क्या बोलेंगे, और कभी कभी डांस भी करते हैं दोनों। हम कभी दिखाएंगे आपको, दोनों मिलकर डांस करते हैं। लेकिन 2 दिन हो गया दोस्तों, जैसे घर पूरा सुन हो गया है। तो बने रहिए, घर पहुँचने के बाद आपको चन्ना से भेंट करवाएंगे, ठीक है दोस्तों, बने रहिए। तो दोस्तों देखिए, अभी हम घर पर पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद बुबू तुरंत उतर कर अपने माँ के पास चली गई। तो चलिए दोस्तों, अभी हम घर के अंदर आप सभी को लेकर चलते हैं और चंदना से थोड़ा बात करवा देते हैं, ठीक है। देखिए वो तुरंत आके उसका माँ के पास बैठ गई है। देखिए दोस्तों ना, देखिए दोस्तों, हेलो बोल दीजिए। हेलो दोस्तों, मतलब बुखार तो हुआ है लेकिन इनके सर में बहुत पेन है, सर में और पैर हाथ सब खिंचा रहा है, मतलब जैसे वीकनेस लग रहा है ना। तो दोस्तों देखिए, आप लोग से बात करवाने के लिए चंदना को थोड़ा रिक्वेस्ट किया, मुझे थोड़ा सा बैठिए और दोस्त लोग से बात कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये वीडियो नहीं बनाने वाले थे, लेकिन इसलिए बनाए कि आप लोग भी मेरा परिवार जैसे हैं और हम सोचे नहीं, मेरा लाइफ में जो भी चल रहा है मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। तो देखिए दोस्तों, आँख भी खुला हुआ है, और बुबू का देखिए दोस्तों, जो गाल फूला था उस दिन जो स्कूल में खेलने के टाइम लगा था, देखिए अभी तक फूला है। उसका भी तबीयत थोड़ा खराब था लेकिन अभी ठीक है। लेकिन चन्ना पूरा 2-3 दिन हो गया, उनका तबीयत बहुत खराब है दोस्तों, नहीं दे रहा है, मतलब पूरा वीकनेस लग रहा है ना। ड्यूटी भी नहीं जा पा रहा, 2 दिन हो गया दोस्तों ड्यूटी नहीं जा पा रहा, और इसका भी तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों तो माँ बेटी दोस्त जैसे हैं। आपको हम बताए, हर वक्त जब देखो हंसी मजाक, खेल, पढ़ाई, दोनों माँ बेटी में। और दोस्तों ये देखिए दोस्तों, काढ़ा बनाएंगे करके रेडी किए हैं, अभी उबाले नहीं है इसको, थोड़ा सा बैठा दिए थे। ये देखिए तुलसी पत्ता, पान और अजवाइन, काला जीरा और गोटा इलायची, बड़ा इलायची और हल्दी और दालचीनी, ये सब देके थोड़ा काढ़ा भी बना देंगे। गुड़ भी दिए इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब सर्दी बुखार होने से थोड़ा काढ़ा देने से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। और थोड़ा दूध दिए थे, 1 गिलास में दूध में थोड़ा गोटा हल्दी, देखिए हम दिखा दे रहे हैं आपको, ये हुआ, ये गोटा हल्दी भी थोड़ा दूध में डाल के दिए हैं, देखते हैं शाम तक थोड़ा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं, ज़्यादा
लॉन्ग वीडियो नहीं है, क्योंकि आप लोग को बताएं हम मन अच्छा नहीं तो क्या करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मन थोड़ा अच्छा नहीं है। क्योंकि हम सोचे थे आप सभी को एक बहुत ही अच्छा जगह पर लेके जाने वाले थे हम आज, लेकिन दो दिन हो गया, हम सोचे आज थोड़ा उनका तबीयत अच्छा होगा, लेकिन आज भी नहीं हुआ, तबीयत और भी बिगड़ रहा है। तो जैसे ही इनका तबीयत ठीक हो जाता है दोस्तों, हम जरूर उस जगह पर आपको लेके चलेंगे। वो किरूर में ही है, बहुत ही सुंदर जगह है। तो दोस्तों कल मिलते हैं नए वीडियो में, नए जगह में। तब तक के लिए बाय, और हो सके तो मेरा वाइफ के लिए थोड़ा प्रेयर कीजिएगा, कैसे जितना जल्दी हो सके ठीक हो जाए। ठीक है दोस्तों।